वेलकम बैक टू आवर न्यू यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं सिंपल पास्ट टेंस। हम लोग का चार टेंस कंप्लीट हो चुका है और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पांचवा टेंस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले सिंपल पास्ट टेंस। तो चलिए देखते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस में किस तरह से हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। ओके चलिए देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस। ये हम लोग का पाँचवा नंबर का टेंस होगा। सिंपल पास्ट टेंस जो रिसेंटली पार हो गया हो, पास्ट के बारे में। पास्ट मतलब क्या, जो पास्ट हो गया, जो बीत गया। सिंपल पास्ट टेंस बिल्कुल क्लियर है। इसका पहचान देख लेते हैं, जिससे हम लोग पहचानेंगे। इसका पहचान है या, ये तीन चीज़ आएगा तो हम लोग समझ लेंगे कि ये जो सेंटेंस है ये सिंपल पास्ट टेंस का बिल्कुल क्लियर है। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। स्ट्रक्चर बोलिए या फार्मूला बोलिए, दोनों राइट है। इसका फार्मूला सब्जेक्ट प्लस V2 यानी वर्ब का दूसरा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अगर अदर वर्ड मन करेगा तो लगाएंगे। बिल्कुल क्लियर है, अदर वर्ड। यस, तो हम लोग स्ट्रक्चर यानी फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड यानी प्रीपोजिशन। इसमें वर्ब वन वर्ब टू टू वाला फॉर्म लगेगा। V2 का कहानी जैसे कि गो क्या, वर्ब वन है, गो मतलब जाना। तो इसका V2 जब हम लोग बनाएंगे तो हो जाएगा वेंट। क्या हो जाएगा, वेंट। तो ये वाला फॉर्म हम लोग का यूज होगा। क्लियर है इसका दूसरा, ठीक है। वर्ब टू याद कर लीजिए, जो भी ग्रामर या जो भी डिक्शनरी है, ग्रामर या अभी तो ऐप आ गया फोन में अभी आता है, उसको इंस्टॉल कर लीजिए और देख लीजिए, ठीक है। प्ले का V2 क्या होता है, गो का V2 क्या होता है, डांस का V2 क्या होता है, क्योंकि इसमें V2 का कारण है। क्लियर है, चलिए तो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हम लोग इकट्ठो लेते हैं। रामू बाज़ार गया बिल्कुल क्लियर हो पास्ट में, ठीक है ना, हो गया वो काम। तो क्या हो गया, रामू बाज़ार गया। देखिए लास्ट में ये आ रहा कि नहीं आ रहा, तो ये जो सेंटेंस है सिंपल पास्ट टेंस का, क्लियर है। यस, तो रामू क्या होगा, रामू ही होगा। गो का वर्ब टू क्या होता है, वेंट। जब भी आएगा गो वेंट या कुछ भी आएगा तो टू लाएगा, क्योंकि जुड़ रहा है। तो रामू वेंट कहाँ गया, मार्केट। क्लियर है, ये हम लोग का रेडी हो गया। तो हम लोग का सेंटेंस बन गया रामू वेंट मार्केट, रामू बाज़ार गया। क्लियर है। दूसरा, वे लोग फुटबॉल खरीदे। तो क्या हो जाएगा, वे लोग का दे बाय का भट्टू बॉट अ फुटबॉल। बिल्कुल, द बॉट अ फुटबॉल। क्लियर है। मेरी माँ अचार बनाई, तो क्या हो जाएगा, माई मदर मैड पिकल PICKL। बिल्कुल क्लियर है। तो हम लोग तीन पॉजिटिव सेंटेंस देख लिए। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। राजू अंग्रेजी सीखा, राजू लर्न्ड इंग्लिश। हम लोग चाय पिए, वी टुक टी। मेरा पापा बाजार गया, माई फादर वेंट टू मार्केट। बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए हम लोग ये पॉजिटिव सीख लिए। अब हम लोग देखते हैं कि इसका नेगेटिव क्वेश्चन किस तरह से बनाते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे इसका नेगेटिव। जब भी वर्ब टू आए या वर्ब फाइव आए तो जब हम लोग नेगेटिव बनाएंगे तो वर्ब वन में कन्वर्ट हो जाए। क्या बन जाएगा, वर्ब वन। तो चलिए देखते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस में नेगेटिव यानी इसका चारों किस तरह से बनाएंगे, हम लोग देख लेते हैं। ओके यस, डिंग यानी जब हम लोग इसका नेगेटिव बनाएंगे तो आ जाएगा डिंट प्लस वर्ब वन। इसे डिंट या डिडेंट भी पढ़ते हैं, डिडेंट या डिंट प्लस वर्ब वन, डिंट या डिडेंट दोनों लगा सकते हैं। बिल्कुल क्लियर है। जैसे कि हम लोग का सेंटेंस क्या था, रामू बाज़ार गया। ये हम लोग का पॉजिटिव सेंटेंस था, तो पॉजिटिव भी बना लेते हम लोग। तो क्या, रामू वेंट टू मार्केट, रामू वेंट टू मार्केट। क्लियर है। जब हम लोग इसका नेगेटिव बनाएंगे तो डिन प्लस वर्ब वन हो जाएगा, यानी वेंट का यानी यहाँ जो भी है ये V2 है तो ये वर्ब वन हो जाएगा। तो हो जाएगा रामू डिंट, DIDN डिंट गो हो जाएगा वर्ब वन टू मार्केट। रामू बाज़ार नहीं गया, रामू डिंट गो टू मार्केट। जब सवाल बनाएंगे तो डिड बाहर आएगा, डिड रामू गो टू मार्केट, क्या रामू बाज़ार गया। क्लियर है, ये हम लोग का क्वेश्चन भी बोल सकते हैं और इंट्रोगेटिव भी। चौथा हम लोग का बन जाएगा डिंट रामू गो टू मार्केट।
यस बिल्कुल क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ऐसे आई एस ऐसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में था ना, ऐसे आई एस का कहानी, इसमें कोई कहानी नहीं, बस वर्ब टू लगेगा। जब हम लोग नेगेटिव बनाएंगे तो वह वन में कन्वर्ट यानी वेंट का गो हो जाएगी। क्लियर है, एक बार देख लेते हैं। ये हम लोग का पॉजिटिव, रामू बाजार गया, रामू वेंट टू मार्केट। उसका जब नेगेटिव बना तो क्या लगा, डिंट, रामो डिन गो टू मार्केट, लेकिन डिंट जैसे आएगा वह वन हो जाएगा यानी वी वन। क्लियर है, तो रामो डिन गो टू मार्केट, क्या रामू बाजार गया, डिन रामू गो टू मार्केट, क्या रामू बाजार नहीं गया, डिन रामू गो टू मार्केट। चाहे आए आए, वी आए, दे आए, कुछ भी आए, सबके साथ डिंट लगेगा। डजेंट का कोई रोल नहीं, डजेंट सिर्फ डजेंट या डॉन सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए। तो हम लोग क्लियर है, यानी सिंपल पास्ट टेंस में हम लोग देख लेंगे किस तरह से बनाते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव क्वेश्चन, नेगेटिव क्वेश्चन, एसर्टिव भी बोलते हैं बहुत लोग, एसर्टिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जो मन करे वो लगा सकते हैं। क्लियर है, चलिए कुछ और चीज़ हम लोग देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में, ठीक है ना। थोड़ा सा टेंस कंप्लीट हो गया हम लोग का, सिंपल पास्ट टेंस डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं, वर्ब का थोड़ा डिटेल देखते हैं, ठीक है। वर्ब, वर्ब का क्या रोल है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल है टेंस में वर्ब का। वर्ब, वर्ब का मतलब होता है क्रिया, क्या होता है क्रिया। अब क्रिया क्या होता है, वो सब जो ना से समाप्त हो और जिससे कुछ हरकत पता चले, हरकत यानी एक्शन हो, क्या हो एक्शन, जैसे कि दौड़ना, खेलना, कूदना, ये सब क्या वर्ब है, क्योंकि इससे कुछ एक्शन पता चल रहा है। लेकिन करीना, करीना वर्ब है क्या, नहीं है, ये नाउन है, इससे कोई एक्शन पता नहीं चल रहा, तो ये नाउन है। क्लियर है, तो हम लोग समझ गए कि वर्ब क्या है। तो वर्ब दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक होता हम लोग का मैन वर्ब, दूसरा होता हेल्पिंग वर्ब। मैन वर्ब, मैन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब जो है उसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। बिल्कुल क्लियर है, हेल्पिंग वर्ब। मैन वर्ब जो मुख्य होता है, मैन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो हेल्प करते हैं। क्लियर है, टोटल हेल्पिंग यानी ऑक्सिलरी वर्ब कितने हैं, 24 है, इज हमारे सब हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है, और मैन वर्ब कौन है, वी वन, वी टू, वी थ्री, वी फोर, वी फाइव, ये सब मैन वर्ब है। क्लियर है, सब मैन वर्ब है, ठीक है। अब देखिए एक सेंटेंस लिखते हैं, राम इज अ पेंटर। तो सबसे इंपॉर्टेंट है राम इज़ अ पेंटर, ये हम लोग का सेंटेंस है, राम इज़ अ पेंटर। तो यहाँ दो वर्ब होता है, अगर वर्ब यानी देखिए वी थ्री और वी फोर के साथ, वी थ्री और वी फोर के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब आए, क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। यस, देख रहे थे थोड़ा सा, ये जो स्ट्रक्चर है राम इज ए पेंटर, इज हम अपने आप में वर्ब फाइव है, लेकिन वो हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहाँ पर मैन वर्ब का काम कर रहा है। तो राम इज ए पेंटर ये जो सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, बिल्कुल क्लियर है, जैसे ही है आएगा तो समझ लेने को सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस, बिल्कुल क्लियर है। तो ये सेंटेंस हम लोग का है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अगर कोई कहता राजू वाज अ डॉक्टर पास्ट में, तो है सिंपल पास्ट टेंस का, राजू एक डॉक्टर था। क्लियर है, आप थोड़ा और डिटेल में देखते हैं, ठीक है। तो वी थ्री और वी फोर के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगा, नहीं तो सेंटेंस गलत होगा, जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पर। आप बताइए सीता, सीता गोइंग, अब सीता गोइंग राइट है कि रॉन्ग है, सीता गोइंग ये रॉन्ग है, और दूसरा सीता इज गोइंग, सीता इज गोइंग, सीता जा रही है, आप बताइए कौन वाला राइट है। ये राइट है, क्योंकि हमेशा मैंने अभी भी आपको बताया वी थ्री और वी फोर के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, लेकिन ये तो मैन वर्ब है, इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं, तो ये सेंटेंस गलत हुआ ना, गलत हुआ ना जी। अगर हम लोग इसका मान लीजिए अभी इसका क्या हुआ, ये वी फोर है, अब वी फोर के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा, इज अभी 100% राइट है, तो क्या हो जाएगा, सीता इज गोइंग। दूसरा एग्जाम्पल रामू गॉन, रामू गॉन राइट है कि रॉन्ग है, बताएंगे प्लीज़, राइट है कि रॉन्ग है, रॉन्ग है, क्योंकि ये भी भीतरी है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा ना, तो क्या बन जाए हम लोग का, रामू हैज गॉन। क्लियर है, आप समझ में आए कि ये सेंटेंस 100% राइट है। अब सवाल है कि कौन वाला हेल्पिंग वर्ब है, कौन वाला मैन वर्ब है। ये है मैन वर्ब जो कि मुख्य क्रिया, और ये हेल्पिंग जो हेल्प कर रहा है। क्लियर है, लेकिन इस सेंटेंस में यही मैन वर्ब है, क्योंकि उसके बाद कोई वर्ब ही नहीं है। क्लियर है, तो मैं हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब को कभी कभी काम करता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग वर्ब का डिटेल देख लिए, और टेंस भी कंप्लीट हो गया, हम लोग को पांच टेंस कंप्लीट हुआ टोटल आज, मतलब आज टोटल हम लोग पढ़े, पहले भी पढ़े थे, आज टोटल हुआ। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस उसके बाद हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और उसके बाद हम लोग पढ़े सिंपल पास्ट टेंस, और तीन स्पेशल स्ट्रक्चर पढ़े हैं, नो हाउ टू,
wants to और has to have to बिल्कुल क्लियर है. तो बार बार आप लोगों को बताया जाता है कि देखिए कृपया आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिए, कॉपी के साथ लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट और प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. और कोई भी चीज़ हम लोग जैसे ही 10,000 बार कर लेते हैं या 10,000 घंटा कर लेते हैं तो हम लोग उस चीज़ में महारत हासिल कर लेते हैं. रोने से कुछ नहीं होगा, रोइए मत. वीकनेस हर आदमी के अंदर एक वीकनेस और एक स्ट्रेंथ होता है. बस वीकनेस पर ध्यान मत दीजिए, अपने स्ट्रेंथ पर ध्यान दीजिए. एक बार क्या हुआ, एक आदमी हर रोज घड़ा में पानी लाता था कुआं से. अब कुआं से पानी लेता था लेकिन एक घड़ा छेद था. अब छेद था तो उस घड़ा को काफ़ी दुख होता था कि यार दूसरा घड़ा जो पूरा फुल पानी लेके जाता लेकिन मेरा आधा हो जाता. तो घड़े ने मालिक से बोला कि मालिक मुझे बहुत दुख होता कि मैं अच्छे से अपना काम नहीं कर पाता हूँ, मैं आपको संतुष्ट नहीं बोलूँ. कौन कहता है? तो उसने कहा कि मालिक ने वो जिस रास्ते से पानी लेकर आता है वहाँ पर फूल के बीज दे दिए. तो फूल के बीज दिए, जैसे ही घड़ा जो छेद से जो पानी गिरता है वो फूल जब होते हैं तो पूजा में काम आता है और घरों को जो शादी उदी होता है मैं तब सजाने के काम आता है. तब उस घोड़े जो है घड़ा को एहसास हुआ कि हाँ मैं सही था. यही बात है, वीकनेस पर फोकस मत कीजिए, अपने स्ट्रेंथ पर फोकस कीजिए और नेवर गिव अप इन लाइफ. ज़िंदगी में कभी भी हार मत मानिए. देखिए अपने लाइफ में चैलेंजेस तो आएंगे लेकिन उसको फेस करना ही हम लोगों का काम है. कि नेवर गिव अप इन लाइफ, बस अपना काम और जो इंटरेस्ट है वही चीज़ कीजिए. जो आपका इंटरेस्ट है, जो जुनून है, जो फैशन है, वही चीज़ कीजिए. बिल्कुल, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए. इससे जो भी हम लोग वीडियोज़ बनाएंगे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा. Stay connected with us and enjoy the videos. Thanks for watching. Bye bye.